अच्छा, ये मैंने आपके जो लेक्चर्स हैं वो बस थोड़ी देर हो जाती है कि ये डाउनलोड होने में बड़ा टाइम लेता है, ये अपलोड होने में। तो मैंने क्लास 7 का कल की थी कोशिश, नहीं हो सका था, टाइम ले रहा होता है। तो ये आपके सारे साथ साथ जैसे स्ट्रीम के ऊपर मैं करती जा रही हूँ अपलोड। और दूसरा जो मुझे ये बताना था कि मैंने आपका ये लेक्चर नंबर 2 जो है वो मॉडिफाई किया है, तो वो मॉडिफाई हुआ हुआ जो लेक्चर है वो मैंने, ये आपको उस पर नहीं मिला होगा, नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ फाइल्स में लेक्चर स्लाइड्स के अंदर पहले यहाँ पे लेक्चर 2 करके पढ़ा हुआ था 10 जनवरी का, ठीक है। ये मैंने अभी जो मॉडिफाइड, जिसके अंदर मैंने फ्लैग्स वाली चीज़ ऐड की है, तो ये लेक्चर यहाँ पे पढ़ा हुआ है लेक्चर 2B के नाम से। अब हमें ठीक है, और बाकी मैं ये मैंने मैसेज कर दिया था कल वाली क्लास के अंदर पोस्ट में किया था, लेकिन मेक श्योर योर पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर बैच इन द कंपटीशन, 18 ईयर्स के कल किए हैं रात तक रजिस्ट्रेशन जो मैंने देखी थी, तो ये आपके डिपार्टमेंट के लिए ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें हम ने सिर्फ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को रखा है। तो ये अभी तो आपको ना कोई फीस देनी है स्क्रीनिंग राउंड के लिए, सिर्फ 1 मिनट की जो वीडियो है उसके ऊपर टॉपिक आपको गिवन है। तो वैसे तो बड़ा टिकटॉक के अंदर तो बड़े मशहूर होते हैं ना, सारे स्टार्स ही यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे यहाँ, तो ये 1 मिनट की वीडियो आपने जो है वो उसके ऊपर बोल के सेंड करनी है। तो इसके अंदर प्लीज डू पार्टिसिपेट, जितना ज़्यादा किसी क्लास की पार्टिसिपेशन होगी उतना ज़्यादा उस बैच के विनिंग चांसेस होंगे। अच्छा, अब हम कल हमने फ्लैग्स वाली चीज़ पूरी कर ली थी, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेटस को डिस्कस किया था, कैरी फ्लैग, हाफ कैरी और जीरो फ्लैग, इन 3 फ्लैग्स को हमने डिस्कस किया था। और लास्ट एग्जांपल जो हमने की थी दैट वाज रिलेटेड टू द एडिशन एग्जांपल, राइट। तो इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब एक अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो ये जो फ्लैग्स रिलेटेड बात थी, या जो ALU हो गया वो आपका CPU के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन एक अगर कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तो उसमें हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस की भी ज़रूरत होती है। दोज एक्सटर्नल डिवाइसेस कैन बी ऑफ द मेमोरी, दोज एक्सटर्नल डिवाइसेस कैन बी द पेरिफेरल डिवाइसेस एज वेल। When we talk about the peripheral devices, it means printer comes into the peripheral device category, monitor, keyboard, ये सब peripheral devices की category में आते हैं, क्योंकि ये input output related है। बाकी RAM हो गई या ROM हो गई या आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ये सब आपकी memory related devices के अंदर आते हैं। RAM की कौन कौन सी kinds होती हैं इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, ROM की कौन कौन सी kinds होती हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा, अब या CPU के अंदर जैसे डिफरेंट रजिस्टर्स हो गए वो लिमिटेड सेट हो सकता है, अगर हम माइक्रोप्रोसेसर के CPU की बात करें तो उसमें कम होंगे, और अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो उसमें रजिस्टर सेट जो है वो ज़्यादा होता है। इसको कैरी करने के लिए डेटा बस की जो है वो ज़रूरत होगी। किस पर्टिकुलर डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम रैम की बात कर रहे हैं या रोम की बात कर रहे हैं, तो इसमें एड्रेस बस का क्या रोल होगा, इसके लिए मैंने आपको वो जो हमने कैलकुलेशन की थी कि अगर हमारी 4 किलोबाइट की मेमोरी है चिप या 2 किलोबाइट की है, तो आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस लोकेशन पे लिखना चाह रहे हैं। तो हमने मिनिमम एड्रेस और मैक्सिमम एड्रेस कैलकुलेट किया था, जिसमें हम सारे पैटर्न्स, जितनी भी नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए, नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, उसके ऊपर हम 0 रखते हैं, उससे हमने मिनिमम निकाला था एड्रेस, और हमने मैक्सिमम के लिए क्या रखा था, उन नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर 1 रखा था। बट पॉइंट इज कि वो जो एड्रेस है वो जनरेट होगा एड्रेस बस के ऊपर, जिससे कि आइडेंटिफाई होगा कि रैम की कौन सी लोकेशन है या रोम की कौन सी लोकेशन है। उस पर लिखना क्या है वो किसके थ्रू जाएगा, डेटा बस के थ्रू जाएगा। रिगार्डिंग कंट्रोल बस और द कंट्रोल ओरिएंटेड सिग्नल्स वी डिस्कस्ड, कि अगर पेरिफेरल डिवाइस है तो उसके लिए इस तरह के सिग्नल होते हैं, जिसको कि हम, अब ये सिग्नल्स के बकायदा पिन्स के नाम हैं, जैसे कि IO रीड, यानी इनपुट आउटपुट को रीड करना है, जो डिवाइस है उसको रीड करना है।
या आई ओ राइट है, यानी राइटिंग ऑपरेशन करना है। अगर आप मॉनिटर की तरफ, मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो ये सीपीयू के लिहाज से एक राइटिंग ऑपरेशन है, क्योंकि सीपीयू डेटा को भेजेगा टुवर्ड्स द मॉनिटर। इसी तरीके से डिस्क के ऊपर अगर लिखना है, डिस्क को पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, तो ये आई ओ रीड जो है, लेकिन दोनों के अंदर आई ओ जो लेटर्स हैं वो आ रहे हैं, बिकॉज दे आर द पेरिफेरल डिवाइसेस और दे आर रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये कौन जनरेट करता है, जिसको हमने कल आर्किटेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के साथ एक ब्लॉक था, तो उसमें ये इस तरह के सिग्नल जनरेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं कि कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस की कोई फिक्स विड्थ नहीं होती, जैसे आपके पास डेटा बस होती है उसकी फिक्स विड्थ होती है ना, कि अगर आप 8 बिट का आर्किटेक्चर वाला माइक्रोप्रोसेसर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है उसमें जो डेटा जाएगा वो डेटा बस जो है वो 8 बिट की होगी, या अगर आप जो है वो उसके रजिस्टर्स का साइज या उसकी कैपेसिटी की बात कर लें तो वो 8 बिट का है, तो आप एड्रेस बस कितनी होगी, यानी अगर आप रैम को या रोम को एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप रोम की जो चिप लगी है लेट से वो आपके पास 4 किलोबाइट की है, तो 4 किलोबाइट के लिहाज से कितनी नंबर ऑफ लाइंस चाहिए होंगी, एड्रेस जो आप मिनिमम और मैक्सिमम निकालेंगे तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस चाहिए होंगी 4 किलोबाइट को एक्सेस करने के लिए। बाइट्स मैम को एक्सेस, सिक्सटीन सिक्सटीन 16 कैसा है ना? मैम टू क्योंकि पावर क्या, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। 2 पावर 4, 4 किलोबाइट में आपने 2 की पावर 4 क्यों किया? मैम टू अगर लाइन हम चाहिए होंगी ना, कितनी चाहिए होंगी, टू सिर्फ 2 लाइंस? नहीं, 16 भी सही नहीं है, 16 16 16 भी सही नहीं है, 16 कैसे चाहिए होंगी, पहले तो मुझे बताइए निकालते कैसे हैं वैल्यूज की, जो फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो आप कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, मैम 2 पावर n। 2 पावर n, तो इसमें जो है वो आप 4 किलोबाइट बनाना है ना, ये हमने कैलकुलेशन वाली चीज़ मेरे ख्याल से इस लेक्चर के अंदर मौजूद है, इसकी क्लास एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं, इससे भी पहले वाला है, ये याद है 1 किलोबाइट के लिहाज से हमने निकाली थी, फिर हमने 2 किलोबाइट के लिहाज से निकाली थी, ठीक है, सो ये हमने 2 किलोबाइट के लिहाज से निकाली थी, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ 4 किलोबाइट के लिहाज से, तो 4 किलोबाइट के लिहाज से ये कितना होगा, 4K है, ठीक है, इसको अगर मैं ब्रेक करूं, 4 का मतलब 2 रेज टू व्हाट, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, इनका माइक बंद करवाएं। अब इनका माइक बंद हो गया, मेरी सही आ रही है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, अब मैं सही आ ये रही है। पूछ रही हूँ, इसको मैं 2 की पावर में कन्वर्ट करूँ 4 को, तो 2 रेस टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 4, ओनली 4, आर नेचुरल मैम टू टू रेस टू टू 2 रेस टू 2, ये क्या हो गया, जितना स्लो स्लोली जवाब क्यों दे रहे हैं, नाश्ता नहीं किया है क्या, ये आपके पास 4 के लिए हो गया 2 स्क्वायर, ठीक है, और किलोबाइट के लिए जो है वो किसके इक्वलेंट होता है, 1024 1024 बेटा मैं 2 टू की पावर पावर में, टेन टू पावर टेन यस 2 की पावर 10 होगा, तो जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, इसका मतलब एन की वैल्यू किसके इक्वलेंट हो गई, 12 मैम, 12 12 सही,
जो 16 जवाब दे रहे थे वो देखेंगे उन्होंने तुक्का कैसे लगाया था. आप कन्वर्ट ऐसे करते हैं ना कि आपको 12 चाहिए, इसका मतलब इसका मिनिमम एड्रेस आपके पास क्या होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा. 12 लाइंस के ऊपर अगर आप 1 रखेंगे तो मैक्सिमम एड्रेस क्या बनेगा? मिनिमम एड्रेस वुड बी व्हाट? 4 या 9 6 मैम शायद. शायद ये तुक्का लग नहीं लगा. नो मैम, 4096 ही होगा क्योंकि 4 किलोबाइट तो 4096 ही होता है ना. 4096 डेसिमल नंबर है. मैं हेक्साडेसिमल में पूछ रही हूँ. ये देखें आपके पास ये खुली हुई एग्जांपल, मैंने इसीलिए वही वाला पेज खोला है. 1010 ये कैसे आया? मिनिमम में तो हम 1 रखते ही नहीं है बाइनरी पैटर्न, तो 1 कैसे आ गया? मैम 12 0 रखेंगे ना. 12 0 रखेंगे तो हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट बनेंगे? 3 मैम. 3 बनेंगे. तो ये हो गया आपके पास मिनिमम एड्रेस, ये हो गया. ठीक है, मैक्सिमम एड्रेस क्या होगा? ट्रिपल एफ मैम. 12 1 लेंगे. तो हर 4 का आपने हेक्साडेसिमल डिजिट बनाना है. तो ये कितने F बनेंगे? मैम 3F बनेंगे. 3F. चीज आपकी हम कर चुके हैं इसकी एग्जांपल. दो दो एग्जांपल्स हमने की थी लास्ट टाइम, 1 किलोबाइट की थी फिर 2 किलोबाइट की थी. तो ये सेम ही तो मेथड है. तो ये आपकी टिप्स में होना चाहिए कि कैसे हम मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेस फाइंड आउट कर रहे होते हैं. अच्छा, अब इसके लिए आपने निकाला ना कि 12 लाइन्स चाहिए. तो ये 12 जो बिट्स कह रहे होते हैं, यानी हमारा इस केस में 3FF आ रहा था तो ये एड्रेस आ रहा था ना, तो एड्रेस की जो बस है उसके ऊपर ये पैटर्न जनरेट होना चाहिए. जब आपके पास 3FF का पैटर्न जनरेट होगा, 12 लाइंस के ऊपर 1 का पैटर्न जनरेट होगा, इसका मतलब है वो किस लोकेशन को एक्सेस कर रहा होगा? वो बिल्कुल लास्ट लोकेशन को एक्सेस कर रहा होगा. अगर आपके पास जो पैटर्न आ रहा है उसके अंदर 11 लाइंस पे 0 है, सिर्फ लीस्ट सिग्निफिकेंट के ऊपर 1 है, इसका मतलब है वो दूसरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा होगा. दूसरी लोकेशन को एक्सेस करने का मतलब जो उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल बनेगा वो बनेगा 001. ठीक, अगर मैं इस केस में कहूँ जिसमें मेरे पास ये जो मेमोरी थी वो 1 किलोबाइट की थी, ठीक है, तो 1 किलोबाइट का मतलब अगर वहाँ पर एड्रेस आपका जो जनरेट हुआ हुआ है वो 001 के इक्विवेलेंट हुआ हुआ है, तो वहाँ से डेटा वो क्या पड़ेगा? ये 82 वाला डेटा पड़ेगा, क्योंकि मैं इस एड्रेस की बात कर रही हूँ. तो एड्रेस बस के ऊपर इक्विवेलेंट टू दिस ये अपेयर होना चाहिए, और डेटा बस के ऊपर जब वो रीड करेगा या अगर आपने डेटा भेजना है लिखने के लिए तो आपको 82 भेजना पड़ेगा. तो पॉइंट ये है कि आपको एड्रेस बस और जो डेटा बस है उसकी ज़रूरत होती है ये कैरी करके लेके जाने के लिए, कि जो ये एड्रेस बस से इंडिकेट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि अगर वहाँ पर 11 लाइन्स के ऊपर 0 और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है उस पर 1 है, तो इसका मतलब है कि रैम की सेकेंड लोकेशन है जिसको कि एक्सेस करना है. तो अब रैम की लोकेशन है या रोम की लोकेशन है, क्योंकि दोनों मेमोरी डिवाइसेज हैं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है अलग अलग, कि रैम की इंस्ट्रक्शन जो है वो अलग तरह की होती है, और जो रोम को अगर पढ़ना है तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग तरह की होगी. तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये मेमोरी रीड और या मेमोरी राइट के जो सिग्नल है वो जनरेट होंगे, जिससे ये चिप सेलेक्ट होगी कि हम किस आईसी को एक्सेस करना चाहते हैं. ओवरऑल जो कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से होती है, जिसमें ये एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस का जो रोल है वो ऐसे प्ले होता है. अच्छा, अब थोड़ा हम आते हैं असल जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, उस AVR का जो माइक्रो कंट्रोलर हमें डिस्कस करना है. उससे पहले कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर, तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? वी कैन कैटेगराइज द आर्किटेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, इट मीन्स दैट जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो उसका पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है, उसी की बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. या इसको हम माइक्रो कंट्रोलर की सेंस में भी कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी CPU होता है. सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट CPUs. दैट CPU कैन बी द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर और दैट CPU कैन बी द पार्ट ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर. तो ब्रॉडली हम दो तरह की कैटेगरीज की बात करेंगे, दो तरह के आर्किटेक्चर्स की बात करेंगे. एक है RISC और CISC आर्किटेक्चर,
और दूसरा हम इससे आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे जिसमें वॉन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। दो तरह से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। अब जो पहला पहली क्लासिफिकेशन कैटेगरी है रिस्क और सिस्क वाली, इसका क्या मतलब है? जो आपके पास CISC है, ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और जो रिस्क है दिस स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, इसका क्या मतलब है? ऐसे आर्किटेक्चर जो कि हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें एम्फेसिस हार्डवेयर के ऊपर होता है, वो सिस्क आर्किटेक्चर कहलाते हैं। उसमें टाइमिंग का क्या रोल होता है? इसके अंदर आपके पास मल्टी क्लॉक होते हैं। मल्टी क्लॉक का मतलब ये है कि एक इंस्ट्रक्शन है वो एक साइकिल के अंदर पूरी नहीं हो रही। एक साइकिल का मतलब कि आपकी जो क्लॉक है, लेट्स से कि वो 2 मिली सेकेंड का उसका टाइम पीरियड है, ठीक है, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए, इसमें मल्टी क्लॉक चाहिए। लेट्स से कि उसे 4 क्लॉक चाहिए और एक अगर 2 मिलीसेकंड का है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना इक्वलेंट हो जाएगा, 8 मिलीसेकंड। तो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 8 मिलीसेकंड में जाके कंप्लीट होगी। तो इसके अंदर इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि टाइम जो है वो ज़्यादा ले रही होती हैं, मल्टी क्लॉक होती हैं। और किस तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती हैं। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होने का मतलब कि आपके पास जैसे मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन है, उसका नाम होने का MULT, ठीक है, वो जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इस तरह के जो आर्किटेक्चर है उसमें इस तरह की जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। जबकि जो रिस्क आर्किटेक्चर है उसमें जो फोकस है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि उसमें जो टाइम होता है वो कम चाहिए होता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल क्लॉक चाहिए, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ क्लॉक ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा टाइम चाहिए होगा इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट होने में। यहाँ पर आपको सिंगल क्लॉक चाहिए होता है, एक ही क्लॉक चाहिए, तो इसका टाइम जो है वो कम होगा। और इसमें सिर्फ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन होती है, यानी सिंपल इंस्ट्रक्शन होंगी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर नहीं होती, इसीलिए इसको कहते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि अगर आपके पास जो मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन है वो मौजूद ना हो। होते हैं माइक्रो कंट्रोलर जिसके अंदर, जैसे अगर आप माइक्रो प्रोसेसर देखें 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल का है, उसके अंदर मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो क्या हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते? हमारे पास ऑल्टरनेट लॉजिक क्या होती है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करने की? लॉजिक क्या लगा सकते हैं आप? मैम एडिशन। एडिशन कितनी दफा? लेट्स से कि मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। मैम 4 times 3 ऐड करेंगे, तो हम 4 times ऐड करेंगे, 3 को हम 4 times ऐड करेंगे क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो अब आप इसमें ये देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन तो सिंपल थी ऐड वाली क्योंकि उसके पास मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन उसमें जो है वो आपका प्रोग्रामिंग वाला काम जो है वो बढ़ गया क्योंकि आपको लूप लगाना पड़ेगा कि आपको 4 times इसकी एडिशन करवानी पड़ेगी। जबकि जो सिस्क आर्किटेक्चर है उसमें क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन मौजूद है तो वहाँ पर आप एक ही इंस्ट्रक्शन में काम हो जाएगा, उसमें फिर आपकी प्रोग्रामिंग के जो स्टेप्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये काम यहाँ पर पॉसिबल है लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेगा, और यहाँ पर जो है वो आपके पास क्योंकि इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है तो वो सिंगल क्लॉक में होगी, लेकिन उसके अंदर आपको लूप स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा या ये एडिशन करने के लिए और इनिशियलाइज करने के लिए 4-5 इंस्ट्रक्शंस यूज करनी पड़ेंगी, तो इसमें आपकी प्रोग्रामिंग बढ़ गई। अच्छा, फिर आपके पास है मेमोरी टू मेमोरी जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे लोड हो गई या स्टोर हो गई, ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपके पास इस आर्किटेक्चर में मौजूद होती हैं सिस्क आर्किटेक्चर के अंदर। लेकिन जो आपका रिस्क आर्किटेक्चर है उसमें आपके पास ऐसे डायरेक्टली मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे रैम की चिप की कोई लोकेशन है, उसका जो सॉरी रोम की चिप की कोई लोकेशन है उसका डेटा मुझे पढ़ना है, लेट्स से पहली पहली लोकेशन की बात कर लेते हैं जो 00 एड्रेस पे होती है, अगर 00 एड्रेस वाली इधर का मुझे डेटा पढ़ना है और उसको मुझे रैम के अंदर लेकर आना है बिल्कुल पहली लोकेशन के ऊपर ही, ठीक है, तो सिस्क आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास इस तरह की इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है जो मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर को सपोर्ट करती है। अब पढ़ने को हम कहते हैं लोड ऑपरेशन और राइट करने को हम क्या कहते हैं, सॉरी लिखने को जो है या जो है वो हम स्टोर करने को कहते हैं राइट ऑपरेशन, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो यूज हो रही हैं लोड और स्टोर।
आपको मैंने वो जो वीडियोस कहा था कि आप मेमोरी वाली रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो देखें, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर के मैंने स्क्रीनशॉट्स भी रखे थे, और वीडियोस के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर आइकन बना हुआ होता है, या तो लोड और स्टोर लिखा हुआ होता है कि प्रोग्राम को लोड करना है, या जो है वो राइट लिखा हुआ होता है, या फिर उसके जो है वो वर्डिंग के बजाय उसके अंदर आइकन बने हुए होते हैं कि आप उसको जो है वो सेव कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर पे, उसकी हेक्स फाइल चली जाती है। बहरहाल यहाँ पर आपके पास मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर की जो इंस्ट्रक्शन है वो मौजूद होती है, लेकिन जो RISC आर्किटेक्चर है उसमें डायरेक्टली मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर डायरेक्टली नहीं हो सकता तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें फिर आपको रजिस्टर यूज करना पड़ता है, यानी जो CPU के रजिस्टर्स हो गए, जैसे हमने कल डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की थी, प्रोग्राम जो हमने लिखे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि कोई भी जो डेटा था, जैसे ये प्रोग्राम था, ठीक है, इसमें जब हम ऐड कर रहे थे तो हमें, लेकिन हमारे पास ये नहीं था कि हम डायरेक्टली 38 और 2F दोनों को जो है वो एडिशन, जैसे हमारे पास C++ में होता है ना कि हम C इज इक्वल्स टू 2+5 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, आपको पहले वो डेटा रजिस्टर में लाना पड़ता है। सिमिलरली, ये तो एडिशन की एग्जांपल है, सिमिलरली अगर आपको किसी मेमोरी लोकेशन के डेटा को मेमोरी लोकेशन के डेटा के साथ ऐड करना है, तो पहले वो मेमोरी लोकेशन का डेटा आपको लोड करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इस डायग्राम से बात करूं कि मुझे रोम की पहली लोकेशन का डेटा ऐड करना है रैम की पहली लोकेशन के डेटा में, और रैम की ही उसी लोकेशन पर मुझे उसे ओवरराइड करना है सम को, तो इसके लिए मेरे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है। या अगर मुझे जो है वो इन दोनों के ऊपर जो है वो या तो पढ़ना है या लिखना है, तो उसके लिए जो है वो मेरे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर की। मुझे क्या करना पड़ेगा, रोम का डेटा, उसकी लोकेशन का डेटा पहले मुझे पढ़ के लाना पड़ेगा किसी रजिस्टर के अंदर, जैसे यहाँ पर हम पढ़ के लेकर आ रहे थे किसके अंदर, R16 के अंदर लेकर आ रहे थे पर्टिकुलर डेटा, वहाँ पर हम उसका एड्रेस बताएंगे कि जो पहली लोकेशन है उसका डेटा R16 में ले आए, यानी 00 हो गई पहली लोकेशन, तो 000 का जो डेटा है वो पहली लोकेशन का डेटा R16 रजिस्टर के अंदर ले आए, फिर हम R16 से ट्रांसफर करेंगे उसे रैम की लोकेशन के ऊपर 00 के ऊपर अगर हमें राइट करना है, तो ऐसे हमें यानी रजिस्टर को इंटरमीडिएटली यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट हमारे पास लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं होती RISC आर्किटेक्चर में, ये उसके लिहाज से डिफरेंस है लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से। जब CISC आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो कोड होगा उसका साइज छोटा हो जाएगा, इसका स्मॉल कोड साइज होता है, और हाई साइकिल यानी कि जब आप टोटल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जाहिर सी बात है अगर उसमें मल्टी क्लॉक यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हाई साइकिल्स होंगे पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर आपको जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे उस इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसे नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा चाहिए। इसकी बनिस्बत आपके पास RISC आर्किटेक्चर में कम साइकिल्स खर्च होते हैं एक सेकंड के अंदर, लेकिन इसका कोड जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि आप अल्टरनेट लॉजिक लगा के वो काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं होती, आपके पास लिमिटेड सेट होता है, जब भी इसको हम कहते हैं कि ये रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट वाला आर्किटेक्चर होता है। इसमें जो ये आर्किटेक्चर है किसकी बेसिस पर बना होता है, ट्रांजिस्टर्स की बेसिस के ऊपर बना होता है, जो मेमोरी रजिस्टर्स हैं वो ट्रांजिस्टर लॉजिक के ऊपर बने हुए होते हैं। अच्छा, जो दूसरी कैटेगरी है हमारी कंप्यूटर्स की, उसमें दो तरह की नाम आते हैं उनके साइंटिस्ट जिन्होंने इसको इसका आर्किटेक्चर जो है वो डिफाइन किया, या जिन्होंने इसका जो है वो सजेस्ट किया कि दो तरह के आर्किटेक्चर हो सकते हैं। एक है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, या वॉन न्यूमन मशीन्स कहलाती हैं वो जो उस आर्किटेक्चर को बिलोंग करती हैं, और ये साइंटिस्ट के नाम पर है ये भी और हार्वर्ड भी। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर CPU जैसे दोनों में मौजूद है, दोनों आर्किटेक्चर में, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो आप प्रोग्राम लिखते हैं या जो आप डेटा लिखते हैं उसके लिए कोई सेपरेट मेमोरी नहीं है। जो पहला आर्किटेक्चर है वॉन न्यूमन, इसमें आप देख रहे हैं कि मेमोरी डेटा प्लस कोड, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम कोड कहते हैं, यानी अगर मैं एडिशन का प्रोग्राम बना रही हूँ या मैं सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना रही हूँ तो वो कोड कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपके पास जब दो नंबर्स को लेट्स से ऐड करना है तो उसमें आपने वेरिएबल्स दिए, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी दिया, ठीक है, ये हो गया आपका कोड, लेकिन ए उसको जो है वो कहाँ से मिलेगा, बी उसको कहाँ मिलेगा,
तो वो जो वैल्यूज हैं वो लेट से कि आपने प्रोग्राम ऐसे बनाया कि वो रन टाइम के ऊपर कीबोर्ड से एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो कीबोर्ड से आपने उसमें बनाया होंगे ना, सी प्लस प्लस में प्रोग्राम आप गेट सी एच ई का फंक्शन लगा रहे होते थे कि जब तक करेक्टर नहीं प्रेस हो जाता, कोई की प्रेस नहीं हो जाती तब तक प्रोग्राम आगे ना बढ़े, इस तरह के आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए होंगे सी प्लस प्लस के अंदर। तो अब वो जो रन टाइम के ऊपर डेटा आ रहा है, या लेट से कि हमने कोई जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताई थी कि अगर हम कोई इंडस्ट्रियल सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर हमें प्रेशर की वैल्यूज चाहिए, टेम्परेचर सेंसर की वैल्यूज चाहिए, तो वो ये जो सेंसर्स की वैल्यूज आएंगी वो कहाँ पे जाएंगी, वो आपकी डेटा मेमोरी में जाएंगी। तो ये जो डेटा मेमोरी बेसिकली आपकी जो है वो रैम होती है जो फ्रिक्वेंटली चेंजिंग वैल्यूज को स्टोर कर रही होती है। तो यहाँ पे इस आर्किटेक्चर में क्या है कि आपके पास डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी अलग से नहीं होती, उसमें आपको खुद से पोर्शन बनाने पड़ते हैं कि इसी मेमोरी की के अंदर ये सेक्शन आप यूज़ करेंगे डेटा मेमोरी के लिए और ये सेक्शन आप यूज़ करेंगे कोड मेमोरी के लिए। तो इसमें ये डिफरेंस है। और जो आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर है उसमें ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग होते हैं, यानी इन दोनों की चिप्स ही अलग अलग होंगी, प्रोग्राम मेमोरी यानी रोम, क्योंकि प्रोग्राम मेमोरी का मतलब है कि उस पर कोड आएगा, और जो कोड है वो आप जो है वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लिखेंगे, या मोस्टली हम उसको रोम के ऊपर लिख रहे होते हैं क्योंकि हमें प्रोग्राम के अंदर फ्रिक्वेंट चेंजेस जो है वो नहीं चाहिए होती। तो प्रोग्राम मेमोरी सेपरेट होगी और डेटा मेमोरी की जो चिप है यानी जो रैम की चिप है वो सेपरेट होगी। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली, अब आप देखें इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन एड्रेस, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। सीपीयू कैसे किसी इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, उसका एड्रेस चाहिए, तो यहाँ से 00 एड्रेस जनरेट होगा, उस बाइट का वो उस बाइट को पढ़ेगा, सीपीयू फेच करेगा, तो वो फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जाएगा। सिमिलरली जब हम डेटा मेमोरी की बात कर रहे हैं, लेट से वेरिएबल ए में आके टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग जो है वो आके स्टोर हुई, तो आप जो है वो वेरिएबल का एड्रेस देंगे यानी रैम का एड्रेस देंगे कि वो वैल्यूज जो है वो सीपीयू फेच करना शुरू करे। तो इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स वी कैन से दैट इन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर we don't have separate code memory and data memory, whereas in the Harvard architecture we have separate chips for the program memory and for the data memory, or you can say that we have separate chips for the ROM and separate chip for the RAM. data memory ka matlab hai RAM, program memory ka matlab hai ROM. to ye do categories hamare paas ho gayi, ek RISC aur CISC ke lihaz se aur dusri hamare paas ho gayi iske von Neumann aur Harvard architecture ke lihaz se. अच्छा, अब ये हम टर्म्स बहुत यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की, ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? जो ऊपर वाली डायग्राम आप देख रहे हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर की, कि उसका जो सीपीयू है उसके अंदर आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स होंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, जिसका हमने डायग्राम इससे पहले वाले में भी देखा था, ठीक। लेकिन उसमें हमें रैम या रोम, या अगर हम टाइमर यूज़ करना चाह रहे हैं या पोर्ट्स यूज़ करना चाह रहे हैं या हम डिवाइसेस लगाना चाह रहे हैं इनपुट आउटपुट रिलेटेड, तो वो पोर्ट के थ्रू एक्सटर्नली कनेक्ट होंगी। ये सब इस ब्लू बॉक्स के आगे नज़र आ रही हैं, और ये डेटा बस और एड्रेस बस कंट्रोल बस के थ्रू कनेक्ट है, लेकिन ये सब बाहर हैं, बाहर हुई हुई है इसकी कनेक्टिविटी, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होता है कि एक ही चिप के अंदर सीपीयू भी होगा, उसी चिप के अंदर रोम भी होगी, उसी चिप के अंदर रैम भी होगी, आपके डिफरेंट पोर्ट्स भी होंगे, सीरियल पोर्ट हो गया, आपके पैरेलल पोर्ट्स हो गए जिसको हम आईओ पोर्ट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या टाइमर हो गया, तो ये सारे के सारे ब्लॉक्स विद इन द सेम चिप होंगे, इसके अंदर ये बाहर से कनेक्ट नहीं हुआ होगा। जब भी आपको एक ही इनक्लोज बॉक्स के अंदर सारे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, यानी माइक्रो कंट्रोलर की जो आईसी होती है उसके अंदर ये बिल्ट इन होते हैं। फर्क ये होता है कि जो बिल्ट इन है इसका साइज कम होगा, यानी जो रैम इसके अंदर लगी हुई होगी वो 4 किलोबाइट, 5 किलोबाइट, या ज्यादा से ज्यादा आपको नजर आई तो 256 किलोबाइट तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। जबकि जो आप कंप्यूटर के अंदर रैम एक्सटर्नली लगा रहे होते हैं, कभी आपने कंप्यूटर का मदरबोर्ड जैसे देखा है, खोल के देखा हो, या जो है वो आप नेट के ऊपर देखा हो, तो उसमें बकायदा पूरी पूरी चिप्स की स्लॉट्स लगी हुई होती है, तो उसमें स्लॉट होती है, इसका मतलब है वो टोटल कितनी रैम आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। आपके पास रैम जो है वो जीबीस के अंदर भी, जी मैम, जीबीस के अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड हो हमारी, हाँ, कि हम कितना ज्यादा जो है वो हाई फाई लैपटॉप ले रहे हैं या कितना ज्यादा हाई फाई हम कंप्यूटर ले रहे हैं। जैसे आप गेमिंग
जो कंप्यूटर्स अगर हमें कंप्यूटर गेम्स खेलने या जो हम ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं तो उसमें जो है वो आपको रैम या जो है वो ये ज़्यादा चाहिए होती है, या ग्राफिक्स कार्ड जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए होता है उसका, या GPU चाहिए होता है उसके अंदर, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वो हमें एक्सटर्नली लगाने पड़ते हैं, यानी CPU से एक्सटर्नल लगाने पड़ते हैं। आप अपने लैपटॉप के मदरबोर्ड के ऊपर भी देख लें तो आपकी जो है वो ये स्लॉट्स लगी हुई होती हैं जो कि आपको GB में प्रोवाइड कर रही होती है कैपेसिटी। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर है अब उसमें क्योंकि इतनी सी चिप है उसके अंदर बिल्ट इन है, लेकिन उसके अंदर ये अमाउंट कम होता है, अमाउंट नहीं इसका साइज जो है वो कम होता है, किलोबाइट्स के अंदर होता है, ठीक, कि आपको 256 किलोबाइट से ज़्यादा का नज़र नहीं आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा चला गया तो 4 MB तक चला गया, इससे ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा। बाकी जो पोर्ट्स हो गए, सीरियल पोर्ट हो गया या टाइमर हो गया, यहाँ पर आपको वो चीज़ें बिल्ट इन नज़र आ रही होती हैं लिमिटेड क्वान्टिटी के अंदर। अच्छा, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस डिस्कस करें तो इसको भी हम 3 सिनेरियोज में डिस्कस कर सकते हैं। 3 सिनेरियोज का मतलब, या 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब, हार्डवेयर का, एक तो हमने देखा अभी कि हार्डवेयर के आर्किटेक्चर के लिहाज से क्या क्या डिफरेंस है, बिल्ट इन वाला और एक्सटर्नल वाला, कि एक्सटर्नल करना पड़ता है कनेक्ट। एप्लीकेशन के लिहाज से कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज़ करें, माइक्रो कंट्रोलर कहाँ पर यूज़ करें। इंस्ट्रक्शन सेट के लिहाज से कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर में कैसी इंस्ट्रक्शन होती हैं और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कैसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इसका एक एक जो है सिनेरियो हम उठाते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। अगर हम एप्लीकेशंस के लिहाज से बात करें तो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो दे आर फाउंड इन स्मॉल मिनिमम कंपोनेंट डिजाइंस, छोटे जो हमारे प्रोटोटाइप्स हो गए या छोटे सिस्टम हो गए, छोटे एम्बेडेड सिस्टम हो गए, कम से कम जहाँ पर हमें कंपोनेंट यूज़ करने, इस तरह के डिज़ाइन के अंदर हमें माइक्रो कंट्रोलर नज़र आते हैं, और जिससे हमें काम क्या करवाना होता है, जिसमें हमें कंट्रोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ करवानी हो। अब ये कंट्रोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसका मतलब है कि लेट्स से कि मुझे फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल किसकी बेसिस पर करना है, लेट्स से टेम्परेचर के ऊपर मैंने रखा हुआ है कि टेम्परेचर जो है अगर ज़्यादा हो रहा है तो फ़ैन की स्पीड बढ़ जाए, ठीक, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कूलिंग एनवायरनमेंट आपके पास है, ठंडा मौसम है, तो फ़ैन की स्पीड जो है वो हल्की हो जाए। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसका जो ये जो आपका पंखा होता है इसकी स्पीड जो है वो आप किससे चेंज करते हैं, रेगुलेटर से। अब रेगुलेटर का तो आपको ऊपर से एक नॉब नजर आ रहा होता है ना, वो प्लास्टिक की उसके ऊपर केसिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल वेरिएबल टाइप रजिस्टर, वेरिएबल टाइप रजिस्टर, जवाब सही है। उसका पर्टिकुलर टेक्निकल नाम क्या होता है वेरिएबल रजिस्टर का, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक। अब अगर मैं इसको ऑटोमेटिक करना चाहूँ, जो आपको हाथ से रोटेट करके उसकी स्पीड को करना पड़ रहा होता है, तो उसमें जो है पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर का मतलब उसमें वेरिएबल रेजिस्टर है, तो रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से आउटपुट पे क्या चेंज होता है, करंट चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में आप कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस का और वोल्टेज का जो है वो रिलेशन है, कि वोल्टेज वेरी हो रहा होता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड वेरी हो रही होती है। तो सिंपली आप अगर इसको कंट्रोल ओरिएंटेड एक्टिविटी में, ये कैसे आ जाएगा कि सेंसर से आपने टेम्परेचर का डेटा लिया और उसको थ्रेशोल्ड से कंपेयर किया प्रोग्रामिंग के अंदर, और फिर आपने सिंपली इसके आउटपुट के ऊपर उतना वोल्टेज जनरेट करवा दिया जैसे पोटेंशियोमीटर कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि ये कंट्रोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सूटेबल रहेगा। या जैसे मैंने आपको वो टीवी रिमोट को रिप्लेस करने वाली एग्जांपल दी थी, एसी रिमोट को रिमोट जो है उसको रिप्लेस करने की एग्जांपल दी थी, या कोई टॉय कार है जिसको आपने मूव करवाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, टॉय कार्स होती है ना जिसके साथ रिमोट आ रहे होते हैं और उसको, या आपका जो है ऑटोमेटिक डोर ओपनर होता है कार का, जो लॉक्स होते हैं कि ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है, तो ये सारी जो है वो एक्सक्यूज मी कंट्रोल ओरिएंटेड जो है वो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर सूटेबल रहेगा। अच्छा, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे सूटेबल होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स आर सूटेड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम, ये कंट्रोल ओरिएंटेड नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाली एप्लीकेशंस के अंदर सूटेबल होता है। अब इसका क्या मतलब,
कि हमारे पास जो है, अच्छा मैं इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट को भी डिस्कस करती हूँ फिर वापस आती हूँ इस पे, कि माइक्रो प्रोसेसर्स आर विच डिजाइन टू बी वेरी जनरल टू परफॉर्म एनी नंबर ऑफ टास्क. माइक्रो प्रोसेसर से आप जनरली बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. तो जब आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है. इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है जिसको कि आपने हैंडल करना होता है, उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर सुटेबल है. लेकिन माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड सिंगल टास्क. वो एक ही तरह का काम करेगा. जिस माइक्रो कंट्रोलर को आपने प्रोग्राम कर दिया कि वो फैन की स्पीड को कंट्रोल करे, वो सिर्फ फैन की स्पीड को ही कंट्रोल करेगा क्योंकि उसकी रोम के अंदर आपने बर्न कर दिया प्रोग्राम. अब आप उससे एसी रिमोट कंट्रोल वाला काम नहीं करवा सकते. वो एक ही काम करेगा जिससे एसी कंट्रोल वाला काम किया है. आपने देखा है ना रिमोट कंट्रोल जो है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है वो उठाया हो एसी की तरफ, उसको ऑन एंड ऑफ किया हो तो आपका एसी जो है वो ऑन और ऑफ हो जाए, होता है ऐसा? नो मैम, कभी भी नहीं. हालांकि रिमोट ही है लेकिन नहीं होता. इवन आप जो है वो सेम कंपनी का भी अगर ले लें तो उसके अंदर वेरिएशन होती है कि डिवाइस आपकी जो है वो कौन सी है. तो ये सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सिर्फ एक टास्क कर सकता है. इसलिए हम इसको कहते हैं कि स्पेशलाइज टास्क परफॉर्म कर सकता है. तो इसके पास जो है वो, यानी वो कंट्रोल ओरिएंटेड जो काम है वो कम से कम इंफॉर्मेशन है जिसको उसने प्रोसेस करना है. जबकि जब आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जनरल टास्क कर सकते हैं, जनरल टास्क का मतलब अभी आप ये मेरा जो स्क्रीन है वो देख रहे हैं, इसके अंदर कितने जो नीचे मिनिमाइज हुए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं. या अगर मैं आपको ये अपनी ब्राउजर दिखाऊं तो इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है इसमें कितने सारे जो हैं वो टैब्स खुले हुए हैं, कि मल्टीपल काम जो है वो चल रहे होते हैं कि उसमें बहुत सारे जो हैं वो टैब्स खुले हुए हैं. ठीक, या हम जो है वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं. मल्टीटास्किंग करने का मतलब ये कि आप जो है वो कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, या जो है वो आप कोई राइटअप कर रहे हैं, या कोई आप जो है वो ड्राइंग पेंट के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, कोई इस तरह का काम कर रहा है. कुछ लोग होते हैं स्टडी के साथ जो है वो गाने वाने सुनते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ जो है वो बिल्कुल डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नहीं कोई गाने या कोई जो है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. और कुछ का तो खाना ही हजम नहीं होता कि जब तक जो है वो आपकी, अगर मैं अभी स्क्रीन शेयर करवाऊँ तो किसी का फेसबुक साइट पर खुला हुआ होगा, किसी का व्हाट्सएप मैसेंजर साइट पर खुला हुआ होगा, वो मिनिमाइज हुए होंगे साथ साथ. तो या जो है वो जिस वक्त ये मैचेस का सीजन होता है तो साथ साथ जो है वो आपका मैचेस की अपडेट या जो है वो उसकी स्ट्रीमिंग वो भी चल रही होगी. तो मल्टीपल जो है वो टास्क, जब भी तो फोकस नहीं होती कंसंट्रेशन के, अच्छा क्या, अच्छा फेसबुक पे आ गया, वो चल रहा है, इस पर ये कमेंट हो गया, कितने लाइक्स आ गए, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हुई हुई होती है क्या. लेकिन ये सारा कुछ आप किसके थ्रू कर रहे होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू कर रहे होते हैं. उसके अंदर क्योंकि जनरल आपने काम करना है. अब आप जो है वो उसमें आपने लेट से एक तरफ आपने गाने चलाए हुए, या जो है वो एक तरफ आपने कोई मूवी है वो डाउनलोड के ऊपर लगाई हुई है. ठीक, तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीजें करके, हम छोड़ भी देते हैं, बफरिंग चल रही है कि यूट्यूब के ऊपर वो होता है ना जैसे घूमता हुआ नहीं आता जिसमें हम कहते हैं चकराता जाए कि ये आ रहा है, तो आप बफर करके छोड़ देते हैं कि ये ठीक है इसकी स्ट्रीमिंग होती रहे जब तक आप कोई और काम कर रहे हैं. तो इस तरह से आप मल्टीपल जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन ये मल्टीपल टास्क करने के अंदर डेटा कितना आ रहा होता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू आ रहा हो, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कि लेट से कोई मल्टी सिम के ऊपर आप शेमैटिक बना रहे हैं, या कोई आप लैब व्यू वाला सॉफ्टवेयर हैवी सॉफ्टवेयर है ये, तो वो आप यूज कर रहे हैं, या आप माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर ले लिया कि आपने प्रोटीएस खोला हुआ है तो आप उस तरह का काम कर रहे हैं. तो ये जो हैवी सॉफ्टवेयर है इसको अमाउंट जो है वो मेमोरी का भी ज्यादा चाहिए होता है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ज्यादा चाहिए होती है. तो ये काम आप माइक्रो कंट्रोलर से नहीं कर सकते. तो जहां पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाला काम करवाना है वहां पर माइक्रो प्रोसेसर सूटेबल है, और जहां पर आपको कंट्रोल ओरिएंटेड और सिंगल टास्क करवाना है, स्पेशलाइज्ड टास्क करवाना है, वहां पे माइक्रो कंट्रोलर सूटेबल है. ये था एप्लीकेशन के लिहाज से. जी मैम, हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट होता है सीपीयू पे. माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर बोथ कंसिस्ट ऑफ द सीपीयू. ये सिर्फ okay. हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है वो सिर्फ सीपीयू होगा, उसमें मेमोरी डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस विद इन द सीपीयू मौजूद, विद इन दैट चिप मौजूद नहीं होंगी. और जी मैम, ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूं.
एग्जैक्टली तो ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये जो ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है आपको, वो उसी चिप के अंदर सीपीयू मौजूद है। यहाँ पे इसकी चिप ही सेपरेट है और यहाँ पे सीपीयू जो है वो भी माइक्रो कंट्रोलर की जो चिप है अलॉन्ग विद द रैम रोम एंड डायमर एंड अदर पेरिफेरल्स दे ऑल आर इंक्लूडेड विद इन द सेम चिप अलॉन्ग विद द सीपीयू। अब जो हार्डवेयर है यानी इसका मतलब क्या निकला कि माइक्रो कंट्रोलर का जो हार्डवेयर है उसकी हम कहते हैं कि ये ऑन चिप सर्किटरी है। सीपीयू भी इसमें है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम और रोम होगा जिसका मैंने आपको साइज बताया कि आपको किलोबाइट्स में ही मिलेगा या ज्यादा से ज्यादा 4 मेगाबाइट्स तक चला गया। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, टाइमर्स उसके अंदर होंगे, वो डिपेंड करता है कि एक टाइमर है, दो टाइमर है या तीन टाइमर है। एडीसी होगा बिल्ट इन, यानी आपको एक्सटर्नल एडीसी की आईसीज अलग से भी आती हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, लेकिन उसके अंदर एडीसी भी बिल्ट इन मौजूद होगा। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो भी इसके अंदर मौजूद होगा। इंटरप्ट सिस्टम भी एक ही आईसी के अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, जबकि माइक्रो प्रोसेसर दे डू नॉट हैव सच डिवाइसेज ऑन चिप। अगर आपको चाहिए ये सिस्टम, मतलब एक बाकायदा जैसे कंप्यूटर के अंदर ये सब चीज़ें बाहर से लगानी पड़ती हैं, तो डिज़ाइनर हैव टू कनेक्ट दम एक्सटर्नली फॉर द माइक्रोप्रोसेसर बेस एम्बेडेड सिस्टम। आपने अगर डिफरेंट, अगर आपको गेम्स करने हैं या जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है जिसके अंदर आप ये टर्म सुनते हैं कि डीप लर्निंग काफ़ी आपने सुना होगा या मशीन लर्निंग आपने काफ़ी सुना होगा, जिसके थ्रू हम सिस्टम्स को इंटेलिजेंट बना रहे होते हैं कि मशीन्स जो हैं वो खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकें, इस तरह से हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट है। तो अगर आप जो है वो करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, तो उसमें जो आपका सीपीयू है उसकी कैपेबिलिटी कम पड़ती है, तो फिर आपको जीपीयू लगाना पड़ता है कि आपके आपकी जो मशीन है, आपका आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर जीपीयू कौन सा लगा हुआ है, तो वो फिर आपको एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ रहा होता है टू इन्हांस द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ योर कंप्यूटर। तो ये चीज़ें फिर आपको एक्सटर्नली लगानी होती हैं। दूसरी बात कि माइक्रो कंट्रोलर की जो चिप है वो छोटी होती है साइज में, कम जगह ऑक्यूपाई करती है और प्राइस में भी कम होती है, 80 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ ऐसे मिल जाती है। लेकिन आपका कभी कंप्यूटर ख़राब हुआ है और आप लेकर गए हो उसको ट्रबल शूट करवाने के लिए और आपको पता चला हो कि नहीं भाई इसका तो सीपीयू ही गड़बड़ है, तो सीपीयू जो है वो काफ़ी महंगा आता है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो काफ़ी महंगा आता है, वो आपको 80-90 रुपीज़ का नहीं मिलेगा, तो ये जो है वो एक्सपेंसिव होता है। दूसरा ये कि ये बल्कियर होता है, कि साइज जो है वो इसका ज़्यादा होता है, माइक्रो कंट्रोलर की चिप छोटी सी होती है। माइक्रो कंट्रोलर्स में पावर कंजम्पशन के लिहाज से भी डिफरेंट है कि माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो लो पावर उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेट से 0.5 से 1 वॉट, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें 10 से लेकर 50 वॉट तक की रिक्वायरमेंट होती है। जनरल पर्पज़ जो डेस्कटॉप सीपीयूज़ हैं उसमें आपको पावर रिक्वायरमेंट्स ये मिलती हैं, तो ये इसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है माइक्रो प्रोसेसर की बनिस्बत माइक्रो कंट्रोलर के। इंस्ट्रक्शन सेट के लिहाज से क्या डिफरेंसेस हैं? इंस्ट्रक्शन सेट के लिहाज से माइक्रो कंट्रोलर में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं, इस तरह की नेचर की होती हैं जिसमें आपको सेट या रीसेट करना है, सेट करना है या क्लियर करना है, यानी किसी बिट को सेट करना है, किसी बिट को क्लियर करना है। क्योंकि जब हम कंट्रोल ओरिएंटेड कहते हैं ना, अब वो आप लेट्स से फैन को ऑन या ऑफ करवा रहे हैं, तो आपको बेसिकली किसी एक बिट के ऊपर सिग्नल भेजना होगा 0 तो वो ऑफ हो जाए, या आपको 1 भेजना है कि वो ऑन हो जाए, या आपने मोटर जो है उसको ऑन या ऑफ करना है कि आपने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है कि जब टंकी फुल हो जाए तो जो मोटर है वो ऑफ हो जाए, पानी की जो मोटर है वो ऑफ हो जाए, पानी जो है पंप के थ्रू ऊपर टंकी के अंदर ना भेजे, तो आपको इस तरह की कोई कंट्रोल एप्लीकेशन जो है वो परफॉर्म करनी है, तो इसमें आपको ज़्यादातर ऑन एंड ऑफ टाइप की पैटर्न्स की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो ये बिट ओरिएंटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको माइक्रो कंट्रोलर में वो ज़्यादा मिलते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो इंटेंसिवली यानी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लाई हो रहा होता है, उसके जो पावरफुल एड्रेसिंग मोड होते हैं जिसके अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एक्सेस हो रहा होता है, यानी पूरे पूरे ब्लॉक्स का डेटा जा रहा होता है, जैसे आप प्रिंटर पे भेज रहे हैं या जो है वो आप कोई फाइल स्टोर कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी जो है वो वॉल्यूम ऑफ डेटा के अंदर स्टोर हो रहा होता है डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, जिसको हम एड्रेसिंग मोड की मदद से इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट होती हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंट हुई वो 1 बाइट के अंदर इंस्ट्रक्शन आ जाती है या 2 बाइट के अंदर आ गई, ठीक।
जबकि जो माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन है जब वो कन्वर्ट होंगी मशीन कोड में तो उनको जो डेटा चाहिए या जो ऑपरेट होती हैं वो निबल्स पे भी होती हैं, बाइट्स पे भी होती हैं, वर्ड्स पे भी होती हैं. वर्ड का मतलब टू बाइट का कम्बिनेशन वर्ड कहलाता है. और इवन डबल वर्ड्स, डबल वर्ड्स का मतलब एक वर्ड में दो बाइट होती हैं, तो डबल वर्ड के अंदर कितनी बाइट्स होंगी, चार बाइट्स होंगी. तो इसमें आपको जो डेटा है जिसके ऊपर ये ऑपरेट होंगी इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर की, उसका वॉल्यूम ज्यादा है बनिस्बत माइक्रो कंट्रोलर के. एक टर्म हम बहुत ज्यादा यूज कर जी मैम, क्या ये पॉसिबल है कि मैं माइक्रो कंट्रोलर में 3 to 4 इंस्ट्रक्शन दूं और एक ही साथ में 3 to 4 जो है टास्क परफॉर्म करवाऊं? 3 to task डिपेंड करता है कि 3 to task आप कैसे करवाना चाह रहे हैं. क्या आप एडिशन सबट्रैक्शन की बात कर रहे हैं या आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? मैम पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं. अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे लेट्स से कि एप्लीकेशन में आपने ये कहा कि आपका सिस्टम ऐसा है जिसमें आपने फायर ये जो हमारे पास डिटेक्ट करने का सिस्टम बनाना है, मुझे किसी आपको याद है कुछ साल पहले कराची में रीजन प्लाजा होटल के अंदर मेरे ख्याल से रात में किसी वक्त आग लग गई थी रमजान में, तो सो रहे थे लोग और लोगों ने जो है वो मतलब सहरी के लिए पता नहीं उठे थे या क्या, तो कुछ ने खिड़कियों से कूद के जो है वो जान बचाई है या इस तरह से. तो ये नॉर्मली जो है वो होटल्स में या उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है. तो या जैसे आपने अपनी यहाँ पर देखा है डिपार्टमेंट के अंदर वो रेड कलर के सिलेंडर्स लगे हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, लेकिन उसको ये कि कोई वहां से निकाले और उसको फिर जो है वो स्प्रे करेगा तब जाके वो आग बुझाने का काम. अब इसको मुझे ऑटोमेट करना है, ठीक है, तो इसको ऑटोमेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मोक सेंसर मैं यूज करूँ, टेम्परेचर सेंसर हीट को जो डिटेक्ट कर सके वो जो है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक, तो इस तरह के फ्यूम्स वगैरह जो है वो डिटेक्ट करे. गैस सेंसर होता है जिससे पता चल जाता है कि इसके अंदर जो गैस है वो कौन सी है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कौन सी गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है. अब इसमें आप देख रहे हैं कि आप 3 तरह के सेंसर्स की इंटरफेसिंग कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू. आपका टेम्परेचर सेंसर का डेटा, उसकी थ्रेशहोल्ड से कंपेयर करना, उसको एक्वायर करना डेटा को, स्मोक सेंसर, गैस कंसंट्रेशन, इसकी प्रोसेसिंग की. अब आउटपुट के ऊपर भी आपकी 3 एप्लीकेशन है जिसको आप कंट्रोल करवा रहे हैं. कैसे? आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ये रेड कलर का जो सिलेंडर है उसमें आपने किया कि उसका जो वॉल्व है, क्योंकि हम बेसिकली मैनुअल में क्या कर रहे होते हैं उसको प्रेस करते हैं ना जो स्प्रे होता है. यस मैम. ठीक, तो उसको मैं अगर ऑटोमेटिक सिस्टम एक वॉल्व को कनेक्ट कर दूं कि वो डायरेक्टली जैसे ये थ्रेशोल्ड भरे वो उसका जो वॉल्व है वो क्लोज हो, वॉल्व जो है वो ओपन हो जाए और ये स्प्रे करना शुरू कर दे, एक एप्लीकेशन. दूसरा उसके अंदर मैं टास्क परफॉर्म करवाऊँ कि ना सिर्फ जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर की जो गैस है उसको एमिट करे बल्कि उसके अलावा जो पानी है उसका शावर शुरू हो जाए, क्योंकि वो भी आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है ना कि पानी अगर आप डालें तो आग बुझाने में वो भी काम आता है. तो आपने जो है वो एक जो वॉल्स डिफरेंट जगहों पे लगे हुए हैं उनको ऑटोमेटिकली खुलवा दिया, तो ये काम भी आप उसी सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं कि पानी के थ्रू. तीसरा काम आप एग्जिट डोर्स जो है उनको ओपन करवा दें, कहीं पे स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, कहीं पे जो है वो आपका मतलब आप इस तरह के जो लॉक्स हैं वो अगर आपने डोर्स के अंदर लगाए हुए हैं तो वो लॉक आपने ओपनिंग करवा दी. अब एक सिस्टम है पूरा का पूरा माइक्रो कंट्रोलर से आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं या टास्क हैं वो कितने हो रहे हैं, 3 इनपुट साइड पर हो रहे हैं और 3 जो है वो आपके आउटपुट साइड पर हो रहे हैं. तो ये आपका पूरा एक सिस्टम कहलाएगा, इसको आप माइक्रो कंट्रोलर से कर सकते हैं. ओके मैम. ठीक है, अच्छा, इस तरह के सिस्टम को, लेकिन ये काम पूरा का पूरा क्या कर रहा है, एक ही तरह का कि इसको आप ऑन द होल. चौथा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अलार्म को एक्टिवेट करवा दें. अलार्म यानी जो है वो लोगों को सुन के पता चले कि हाँ कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए, कोई सोता हुआ भी है तो उठ जाए कि ये ना हो कि वो आग में फंसा रह जाए, तो आप उसमें चौथा सिस्टम ये कर सकते हैं. तो अब ये पूरा का पूरा इस तरह का जो सिस्टम है, लेकिन वो सारा रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो फायर से रिलेटेड या फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड हो रही हैं, एमरजेंसी एस्केप से रिलेटेड हो रही हैं. तो ये आपका एक कहलाएगा कि ये एक डेडिकेटेड टास्क ही कर रहा है, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज एक चीज से ही रिलेटेड है. तो ऐसे सिस्टम्स को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं. अब आप वो देखते हैं ATM की मशीन देखते हैं, ठीक है, तो वो एक एम्बेडेड सिस्टम है. या जो है वो आप माइक्रोवेव ओवन देखते हैं, वो एक एम्बेडेड सिस्टम है. सॉरी
कैन यू से इट अगेन प्लीज? मैम वॉशिंग मशीन हो गई, एम्बेडेड सिस्टम है वो भी. हाँ, तो ये सब एग्जांपल्स जो हैं वो एम्बेडेड सिस्टम की हैं. अब एम्बेडेड सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आप माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ करें या माइक्रो कंट्रोलर ही यूज़ करें. आपने ये टर्म्स ज़्यादा सुनी होती हैं इसलिए आपको लगता है कि एम्बेडेड सिस्टम सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से बनता है. लेकिन एम्बेडेड का मतलब, जब भी हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमें कोई एक ही टास्क करना है. अब एम्बेडेड सिस्टम के अंदर बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो कोई भी हो सकती है. कोई भी का मतलब प्रोसेसिंग कोर होनी चाहिए, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग करवानी है, आपको डेटा चाहिए, उसके ऊपर फिर आप बेस करके आउटपुट जनरेट करेंगे. तो एम्बेडेड सिस्टम जो है वो कंट्रोल होते हैं किसी भी प्रोसेसिंग कोर से, और वो प्रोसेसिंग कोर या तो माइक्रो कंट्रोलर्स हो सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं. इवन आपके पास ये भी प्रोसेसिंग कोर्स हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो है ये आपकी प्रोसेसिंग कोर है. इसको हम डीएसपी कहते हैं. इसकी चिप्स आती हैं डीएसपी की. आपने अभी सिग्नल, अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं या डीएसपी पढ़ रहे हैं? इस सेमेस्टर में सिग्नल सिस्टम्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आपका एक सब्जेक्ट मेरे हाथ से आगे चल के डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग भी आएगा. तो बहरहाल उसके जैसे अगर आप लैब्स या प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं तो मोस्टली मैटलैब के अंदर आप ये सिग्नल प्रोसेसिंग सीख रहे होंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना. लेकिन इसकी जो है वो सेपरेट या स्टैंड अलोन चिप्स भी आती हैं, तो आप उनको भी यूज करके स्टैंड अलोन सिस्टम बना सकते हैं या एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं. पॉइंट मेरा ये है कि वो भी आपके पास प्रोसेसिंग कोर है. ठीक है, इसी तरीके से आपके पास FPGAs हैं. FPGA का सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया या आना है अभी आगे? नो मैम, अभी आगे आना है. अच्छा, तो FPGA की भी आपके पास जो है वो डिफरेंट चिप्स होती हैं, या जो है वो उसके डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू आप प्रोसेसिंग करवा सकते हैं. तो ये आपके पास मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर हैं. इवन आप लेट्स से कि ये नहीं यूज़ कर रहे हैं डिजिटल सिस्टम्स, इस तरह की जो चिप्स हैं, आपके जो PLCs हो गए या आपके PID कंट्रोलर्स हो गए, वो भी आपकी प्रोसेसिंग कोर्स कहलाती हैं. ठीक, तो वो आपके इंडस्ट्रियल नेचर की हो गई, बिल्कुल बल्कि या जो हैवी लोड सिस्टम्स है वहाँ पर आप वो यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये आपके पास जो है वो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर आपको ये वाइडली यूज्ड प्रोसेसिंग कोर नज़र आती हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, DSPs या FPGA. हमारा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एम्बेडेड सिस्टम का बेस जो हम इस सेमेस्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर है कि हम सिर्फ एक प्रोसेसिंग कोर को डिस्कस कर रहे हैं. बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर आप आगे वाले सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ेंगे. अच्छा, अब ये एक लिस्ट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं एम्बेडेड सिस्टम की, जैसे एंटी लॉक ब्रेक्स है, या जो है वो आपके पास ऑटो फोकस कैमरा है, ATM मशीन्स है, ऑटोमेटिक टोल सिस्टम है, या जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर्स हो गए. ये जो आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट आईडी वाला, इसके अंदर क्या लगा होता है? ये किसी ने पूछा भी था ना पिछले दिनों क्लास में. यस मैम, मैंने पूछा था NIC का जो. तो हाँ, वो तो आपने NIC का पूछा था. मैं पूछ रही हूँ जो आपका स्टूडेंट कार्ड होता है, और इस जो है वो कार्ड ये वाइट कलर का जैसे होता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है? किसी ने इसका मैम मास्क रोम लगी भी होती है. मैम QR कोड होता है, और QR कोड होता है उसको, और बार कोड, QR कोड और बार कोड उसके थ्रू हम इसको एक्सेस करवा सकते हैं. सब होता है. आप लोगों के कार्ड से बार कोड है क्या? दो तरह के कोड आप क्यों यूज कर रहे हैं? अगर आप QR कोड यूज कर रहे हैं तो फिर बार कोड की जरूरत नहीं है कि इनकोडिंग आपने एक ही के अंदर करवा दी. तो मैं इसके आर्किटेक्चर का पूछ रही हूँ. ये तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में नजर आ रहा है ना, तो अगर ये आपने प्लेन कार्ड, NV रैम होती है इसमें, NV रैम भी होती है मेरे ख्याल से. ये जो कार्ड्स है ना, इसके अंदर बेसिकली RFID कार्ड्स हैं ये. इसको अगर आप लाइट में देखें ना, ये इसके ऊपर लाइट डाल के देखें तो आपको इसके अंदर की सर्किटरी नजर आएगी. RFID कार्ड्स जो हैं वो आपने यहाँ डिपार्टमेंट में FIP लैब विजिट की है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, वहाँ मैडम रोजी होती हैं, वो देखी है आपने? यस मैम, विजिट, यस देखी तो है. तो उसके दरवाजे पे कुछ नोट किया है लगा हुआ? यस मैम, यस मैम,
डोर लॉक लगा हुआ है, डोर लॉक लगा हुआ है, तो वो डोर लॉक जो है वो अगर जैसे जाना है या आना है तो वो कैसे ऑपरेट करता है? या तो उसमें की है कि आप वो की प्रेस करें अगर आपको कोड पता है. दूसरा ये कि वो RFID लॉक्स हैं, उसके सामने आप ये जो RFID कार्ड्स है ना वो अगर आप उसको शो करें तो आपका ऑथेंटिकेटेड कार्ड है तो वो दरवाजा खुल जाएगा. तो ये आपका जो है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक एम्बेडेड सिस्टम है जो RFID कार्ड्स के ऊपर काम कर रहा होता है. या इवन आपने डिफरेंट होटल्स में देखा होगा कि वहाँ पे जो रूम है वहाँ पर अक्सर जगहों पे ये होता है कि वहाँ कीज नहीं होती, वो आपको कार्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं. या कीज अगर है तो आप जब जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर जाके सिर्फ आपने जो है वो कार्ड स्वैप किया होता है और लाइट्स और एसी वगैरह सब जो है वो ऑन हो जाते हैं उस कार्ड की मदद से. तो ये जो है वो आपका एम्बेडेड सिस्टम है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है. टाइम ही खत्म हो गया क्लास का, मुझे ये आगे इसको डिस्कस करना था और कुछ होमवर्क भी देना था. अच्छा इसका मैं चलें ठीक है, मुझे भी 2-3 मिनट लेट मिली थी क्लास, स्टूडेंट्स नहीं आए थे. तो अब आपका ये काम है कि जब मैंने ये जिक्र किया ना रैम और रोम वाली बात का कि किसी के अंदर रैम होगी किसी के अंदर रोम होगी, अब आपका ये काम है कि आर्डिनो के बोर्ड्स, बड़ा आर्डिनो पे स्टूडेंट्स फोकस कर रहे होते हैं ना, उसमें ये AVR का ही माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है. तो अगर आप आर्डिनो का कोई आर्डिनो के डिफरेंट जो हैं वो बोर्ड्स होते हैं, कि मैं ये दिखाती हूँ. ये आपने आर्डिनो के डिफरेंट बोर्ड्स इस तरह के देखे होंगे, ठीक है. अब इसके अंदर जो चिप लगी हुई है माइक्रो कंट्रोलर की, इसमें आप देख रहे हैं ये चिप लगी हुई है जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है, ये माइक्रो कंट्रोलर की चिप है, ठीक है. तो ये जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, या तो आप आर्डिनो की वेबसाइट पे जाके देखें या नेट से सर्च करें, इसमें आप देख रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर की जो IC लगी हुई है यूनो के अंदर वो इस तरह की IC लगी हुई है. ये DIP पैकेज है, डुअल इनलाइन पैकेज, ठीक. लेकिन जो इस तरह के आर्डिनो मिनी हो गया या नैनो हो गया, इसमें आप देख रहे हैं ये क्वाड पैकेज है. ये जो IC माइक्रो कंट्रोलर की लगी हुई है ये क्वाड पैकेज है, इसमें चारों तरफ जो है वो पिन्स मौजूद है, कोई सरफेस माउंट है कोई सरफेस माउंट नहीं है. तो इन माइक्रो कंट्रोलर के बोर्ड्स ये विजिबल है ना आप लोगों को, इसमें लिली पैड नजर आ रहा है, मेगा का माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड नजर आ रहा है आर्डिनो का. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. तो आपका होमवर्क ये है कि आपने लेट्स से इन्हीं बोर्ड्स जो हैं आर्डिनो के, इनको एक तरफ लिखें कि आर्डिनो का कौन सा बोर्ड है. बोर्ड का मतलब है ये पूरा का पूरा, इसमें सिर्फ जो माइक्रो कंट्रोलर की चिप है वो ये है जिसके ऊपर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये माउस का पॉइंटर जो है, तो ये इसकी चिप है माइक्रो कंट्रोलर की. लेकिन बाकी चीजें क्या लगी हुई है, ये छोटे छोटे जो आपको चीजें नजर आ रही हैं. अच्छा ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके अंदर कितनी रैम है कितनी रोम है, तो आपने 4-5 कॉलम्स बनाने जिसके अंदर आपने बोर्ड के सामने लिखना है कि उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है वो किस फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है, मतलब 14 MHz को करता है या 16 MHz को करता है, कौन सी फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है, प्रोसेसर कितनी फ्रिक्वेंसी का है, ठीक, कंट्रोलर कितनी फ्रिक्वेंसी का है, दूसरा उसके अंदर रैम कितनी है, तीसरा उसके अंदर रोम कितनी है, चौथा के जो है वो इनपुट और आउटपुट पिन्स उसमें कितने हैं, वो एनालॉग भी हो सकते हैं वो डिजिटल भी हो सकते हैं. तो ये आपने 5-6 कोई कंट्रोलर्स ले लें, भले ये वाले ले लें, इसका आपने एक टेबल बनाना है ताकि आपको पता चले कि अमाउंट कितना होता है, अमाउंट पता नहीं क्यों निकल रहा है मैं मुझसे, साइज कितना होता है इसका माइक्रो कंट्रोलर की, मेमोरी का साइज कितना होता है, या जो क्वांटिटी है इनपुट और आउटपुट पिन्स की वो कितनी होती है. तो एक कंपैरेटिव टेबल जो है ये आपने बनाना है, ये आपका होमवर्क है. अटेंडेंस मेरे ख्याल से आपने कर ली होगी, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप करती हूँ, पहले मैं डाउनलोड कर लूँ. ठीक है, ओके, नाउ यू कैन लीव फॉर द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एंड डू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, आई वॉन्ट योर क्लास विद मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. Okay, ma'am.